जब का गौरव मिला है तुम्हें इस बार तो सर आपने जो बात किया वहाँ पे मुझे एज अ कोच और मैंने जरा आपसे कहा कि सर आपको कल भी बात करनी है उनसे तो आपने जो कॉन्फिडेंस वाली बात करी उसने शायद कॉन्फिडेंस फिर से और दिया और खिलाड़ियों ने जुझारू प्रदर्शन किया सर मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है और जैसे प्रिंसिपल का रिजल्ट अच्छा आता है कॉलेज में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं कि रिजल्ट अच्छा आया है आई एम हैप्पी सर वेरी गुड बहुत अच्छा लगा सर और पलक बहुत ही ब्लेसिंग की फीलिंग है सर आप हमारे साथ हैं हम लोग के गेम में सर ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट होती है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही क्लोज मार्जिन से सर 21-23, 19-21 हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच रह गया था बट डेफिनेटली सर आगे वी विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर सर तुम जब जा रही थी तो मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था तो स्क्रीन पर मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा था मैं देख रहा था कि तुम्हारी माताजी इतनी भावुक थी तो जब आप खेल के मैदान से निकली तब उसके साथ क्या बात हुई जरूर कुछ विशेष बात हुई होगी सर डेफिनेटली उनकी तरफ से फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तो था ही सर कि मतलब कि उन लोग के लिए भी गर्व का एहसास तो है ये कि लोग अब उन्हें जानने लग गए हैं एंड कहाँ एक सोसाइटी पहले बेचारी कह के मुझे बुलाती थी और सिंपथाइज करती थी और कहते थे कि अरे भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे अब आई थिंक सर हम लोग का जर्नी देख के मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ये डिसेबिलिटी मिली है अगर ये डिसेबिलिटी नहीं होती तो मैं सर को नहीं मिलती मॉल के बाहर मैं बैडमिंटन नहीं खेलती और अगर मैं बैडमिंटन नहीं खेलती सर तो मैं आज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सर आपसे मिलने के लिए और प्राची क्या है बेटा तुमने तो एक नया खेल शुरू किया है भारत का जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर मेरा मैंने कोशिश की इतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे लेकिन फाइनल्स में गई सर मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है और सर आपने बहुत उत्साहवर्धन किया आपने मुझसे बोला था कि प्रेशर नहीं है अपना बेस्ट देना तो सर मैंने बेस्ट दिया और काफ़ी खुश हूँ सर और आगे का एडवेंचर के लिए क्या सोच सर मुझे समुद्र में बोट चलाने का बड़ा मन करता है मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार समुद्र में चलाऊँ लहरों में थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग अस एंड हमारा इतना अच्छा वेलकम किया आपने थैंक यू सो मच फॉर दैट सर थोड़ा सा वहाँ पे जाने से थोड़ा सा ये हुआ परफॉर्मेंस का थोड़ा है लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया लेकिन नेक्स्ट एशियन गेम्स में ओलंपिक्स में इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा और विथ मेडल्स नेक्स्ट टाइम आ जाऊँगा एंड आपका सपोर्ट है जो हम टॉप्स के अंदर है उसमें काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है जिसकी वजह से हम एब्रॉड जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं चाहे यहाँ पे भी बाहर भी काफ़ी अच्छे से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है सो रियली इट हेल्प्स अ लॉट सर थैंक यू सो मच सर ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बचपन से 20 शस्त्र चिकित्सा ले चुका हूँ मेरे पैर पे और मेरे स्पाइन पे तो इस बार तो मेडल तो ज़रूर नहीं लेके आए पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था हम तो ये गर्व हो रहे हैं कि उन लोगों को भी बीट किया है हमने और हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और ऐसे हमारा एथलीट्स बोल रहे हैं कि दूसरे एथलीट्स बोल रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते वो हमको इतना गर्व महसूस होते हैं कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इतना हौसला बढ़ाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं सो थैंक यू सो मच सर इसके लिए बहुत बहुत क्या भाई नागर जम किया था सर वही तो मैंने उसको तुरंत पूछा था दूर से सर बहुत दूर जाया था कैमरा दूर से जम मार दिया था मैंने देखा था उसको और मैं लाइव देख रहा था उस समय आपका गेम जी सर कहो भैया तुम अभी तो घर पे जाते ही तुमको कहेंगे टिकट कहाँ है जरूर सबको लेके जा रहा हूँ सर एक जल्दी अच्छा ये बताओ मुझे ये थोड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं ना डिवोट करता हूँ ये भाव कैसे आया सर मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं सो बहुत बड़ी बात है सर ये सब और फिर उसी वजह से ये पैरालंपिक ओलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्हीं की वजह से इतना हो पाया ये
और उन्हीं की वजह से आज ये मेडल बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके इसके कारण एक नया माहौल लोगों को लगता है भाई हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए समाज के लिए सोचते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जरूर सर फादर कोचेज और फैमिलीज जिन्होंने भी सपोर्ट करा उनका तो बहुत बड़ा हाथ है सर लेकिन कोविड वॉरियर्स माता पिता के लिए क्या कहाँ का कार्यक्रम बना रहे हो सर माता पिता और साथ में मेरी जॉइंट फैमिली सर छोटी तो कोशिश पूरी है सर जल्दी से जल्दी फ्री होके फैमिली के साथ एक टूर पर जाना है क्योंकि सर मेरी मम्मी आज तक कहीं नहीं गई है ना बाबा कहीं गए हैं इतना तो एक बार सबको एक साथ घुमाना जरूर है बहुत आगे बढ़ो थैंक यू सर मनोज नमस्कार सर मुझे गर्व है कि सर मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूँ और सर वहाँ से निकल के और उत्तराखंड का पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्व की बात है और जब आपने मुझे अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया कि आप देवभूमि उत्तराखंड से तो सर मेरे अपने आप रोंगटे खड़े हो गए थे कि सर पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है और वहाँ पे उत्तराखंड का नाम आ रहा है तो ये मेरे लिए सर गर्व का क्षण था गौरव आपको विशेष बधाई मेरी तरफ से सर आपका लाइफ स्टोरी जो है सर चाहे वो पलक का स्टोरी हो मनोज का स्टोरी हो कृष्णा का स्टोरी हो यहाँ जितने जितने हीरोज बैठे हैं सर उन सबका स्टोरी को देख लें और पैरेलल में सर अगर आपका स्टोरी एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लें सर यू आर सिटिंग विद अस फ्रैंकली स्पीकिंग सर वो भी कम मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए तो हम लोगों को सर वो भी प्रेरणादायक तो है सर एवरीबॉडी इज अवेयर उसको स्टोरी को आपको पता नहीं है उल्टा है जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है